नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। मीनाक्षी लेखी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है राहुल गांधी के खिलाफ। मीनाक्षी लेखी का कहना है कि राहुल गांधी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे रफाल मामले को लेकर लगातार चौकीदार चोर है के नारे लगवा रहे हैं, इसी सिलसिले में मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर की है उच्चतम न्यायालय में। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मामला बहुत सिंपल है। आप लोगों के माध्यम से जगह जगह पर कई तरीके की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसके अंदर ये पाया गया कि लगातार बेबयानी की गई है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे बयान दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ऑर्डर पास किया, वैसा ऑर्डर पास किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया। और वो सब चुनावी माहौल के अंदर इलेक्शन को भटकाने के लिए किया जा रहा है और चौकीदार चोर है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30,000 करोड़ अंबानी को दिया ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि वो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट एक हिस्सा सुन चुका है, बाकी का पेंडिंग है। ये तमाम मामला जो है ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भटकाने के लिए। एक परिवार जिसमें 4 एडल्ट में से 3 जमानत पर है, वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, वो सब चीज़ें तो खैर छोड़िए, वो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी डील कर लेंगे, मगर जो विषय बड़ा है वो बड़ा विषय ये है कि ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। एक ऐसा इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ने नहीं आते, वो क्या भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है?